मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दे, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की, भोंकते रहो तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भाई के सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही। सतपाल मलिक ने किया बड़ा खुलासा, राम मंदिर पर बीजेपी कराएगी हमला या फिर बीजेपी नेता की होगी हत्या। बड़ा खुलासा किया है, बताएंगे इसके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। 24 के चुनाव को लेकर खास बात निकल के आ रही, ये भी हवाला दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर फिर से संसद में जोरदार हंगामा, सदन हुआ स्थगित, बताएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मर गई अंजू, पाकिस्तान से आ रहा फोन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में जानने वाले हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, विपक्षी एकता से एनडीए में खलबली, फिर से मोदी बुला रहे मीटिंग आज शाम, बताएंगे क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है 24 के चुनाव को लेकर। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर कन्हैया ने शिवराज को खुला चैलेंज कर दिया, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है, चार राज्यों में एनडीए का होगा सुपड़ा साफ, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, केंद्र सरकार पर उठने लगे कई बड़े सवाल, 3 सालों के अंदर 13 लाख महिलाएं लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जल्द ही महाराष्ट्र में नजर आएंगे प्रधानमंत्री और शरद पवार एक मंच पर, बताएंगे इसके बारे में ऐसा क्या होने जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर योगी के बयान से खलबली मची हुई है, क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है आखिर ज्ञानवापी को लेकर, इसके बारे में बताने वाले हैं। हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। वहीं देखा जाए मुहर्रम की छुट्टियों को लेकर क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस तरह से फिर से बीजेपी और टीएमसी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, सारी खबर बताने वाले हैं करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आए दिन मीटिंगें हो रही हैं। और इसी बीच देखा जाए सतपाल मलिक का भी बड़ा बयान निकल के आ रहा, उनका कहना है कि जिस तरह से पुलवामा हमला 19 के चुनाव से पहले हुआ, इसी तरह से आप देखेंगे कि खासतौर से 24 के चुनाव से पहले भी बीजेपी कुछ इसी तरह से कांड करने वाली है। जहर राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हमला हो या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हो, आपको बताते चले, यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी बीजेपी के बड़े नेता की भी हत्या कराएगी, और हत्या कौन, ना कि विपक्षी पार्टियां, खुद बीजेपी कराने वाली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक वैसे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और इसी बीच फिर से प्रधानमंत्री और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर करारा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री सत्ता को हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, वो कोई भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। जब वो पुलवामा हमला कराकर सत्ता में आ सकते हैं तो राम मंदिर और बीजेपी नेताओं की हत्या तो आम बात होने वाली है। दरअसल आपको बताते चलें, न्यूज क्लिक के साथ इंटरव्यू देते हुए सतपाल मलिक ने यह बड़ा खुलासा किया है कि बीजेपी 24 के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी को पता है ये ना तो 14 जैसा चुनाव होने वाला है और 19 के जैसे, अब ये चुनाव पूरी तरह से अलग होने वाला है और बीजेपी इसके लिए और इसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली है। वैसे आपकी क्या राय, सतपाल मलिक का बयान क्या सचमुच साबित जाएगा जिस तरह से बीजेपी ने पुलवामा हमला कराया, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, क्या इसी तरह से एक और बड़ा हमला देश में हो सकता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर फिर से संसद में मचा बवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर पर भी लगा दिए बड़े आरोप। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर हिंसा को लेकर, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों का आज भी हंगामा जारी रहा, हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलाने का प्रयास किया, लेकिन आपको बता चले हंगामा जारी रहने से किसी भी तरह से सदन नहीं चल पाया और फिर से सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। आपको बता चले जिस तरह से लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, केंद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं और देखा जाए मुद्दों से लगातार भटकाया जा रहा है। आपको बताया जाए कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन सभी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा करने की मांग रखी है। चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति 65 सांसदों को भी नोटिस दिए हैं। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम नियम 267 के अंतर्गत चर्चा चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विनती है, इंडिया गठबंधन के कई सांसद मणिपुर के हालात देखकर
लौटे और बता रहे हैं किस तरह से वहां लगातार माहौल संवेदनशील बनते जा रहे हैं, आए दिन हत्या और आगजनी हो रही है। केवल ये मुद्दा है कि सदन में किसी भी तरह से विस्तार पर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इन सब को लेकर रोज बवाल काटा जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, लेकिन इस बड़ी बात यह है कि सदन को चलते 10 दिन हो चुका है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार सदन स्थगित और खास तौर पर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और दूसरी तरफ 13 अगस्त तक ही सदन चलने वाला है, अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताया चलें कि भारत से पाकिस्तान गई महिला अंजू का कॉल आया और खबर निकल के आ रही है कि मर गई अंजू। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी लगातार सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान पहुंची अंजू भी एक बार फिर से तहलका मचा रही हैं। और देखा जाए, खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अंजू के पिता ने अंजू से बात की और फिर ये वीडियो कॉल रहा था। इस बीच देखा जाए, वीडियो कॉल के जरिए अंजू ने अपने पिता को धमकी दी कि आपके लिए अंजू मर गई है और आज के बाद कॉल मत करियो। और दरअसल आपको बता जाए, अंजू के पिता गया प्रसाद अपनी बेटी को मैसेज किए थे और उनसे बात करने को लिए कहा गया था। और अंजू ने बात के जरिए ये सारी तमाम बातें रखी। उन्होंने बताया कि जो निकाह वाली बात सामने निकल के आ रही है, जो फ्लैट देने वाली बात सामने निकल के आ रही है, केवल अफवाह है। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं और ये भी धमकी दी है कि आने वाले समय में वो अपने बच्चों को भी भारत से ले जाएगी। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, विपक्षी एकता से पूरी तरह से एनडीए में मची खलबली। फिर से एनडीए के सांसद एकजुट नजर आने वाले। मोदी फिर से करने जा रहे हैं इनसे मीटिंग। आज शाम होने जा रही है अहम बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार की जाएंगी। दरअसल आपको बता चलें कि प्रधानमंत्री लगातार मणिपुर के मुद्दे से बचते आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये केवल और केवल अपनी चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। यानी सतपाल मलिक का जो बयान रहा वो सही है, देश जल रहा है, लेकिन ये चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। दरअसल एनडीए में क्यों खलबली मची है जरा समझिए। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का भी दो बैठक हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये खासतौर पर एनडीए यानी महाजुटन की तीसरी बैठक होने जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 31 जुलाई यानी आज से 10 अगस्त के बीच अपने सारे एनडीए के सांसदों यानी 430 से अधिक सांसदों से 10 दिन के अंदर मुलाकात करने जा रहे हैं। आप ऐसे ही सोच सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कितने ज्यादा स्ट्रेस में है प्रधानमंत्री। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी अपडेट, भारत में 3 सालों के अंदर 13 लाख महिलाएं लड़कियां हुई हैं गायब। केंद्र सरकार पे उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों के अंदर भारत में 13.13 लाख महिलाएं गायब हो गई हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह से इन सब कार्रवाइयों को रोकने में विफल रही है। इतनी बड़ी संख्या में महिला गायब हो रही और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार नाकाम होती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस जिस तरह से लगातार खुलासे करती रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम ऐसी बातें ले और महिलाओं के लिए ही बड़े बड़े कानून लेके आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सदन में ये एक ब्यौरा दिया गया, रिपोर्ट रखी गई जिसमें खासतौर पर 13.5 लाख के करीब महिलाएं गायब हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है आखिर इसमें केंद्र सरकार विफल क्यों रही है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है। खासतौर पर देखा जाए तो एक बड़ा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो रही है, वो महाराष्ट्र है। वहां पर भी बीजेपी का इस समय गठबंधन के साथ शासन रहा, लेकिन वहां पर भी पूरी तरह फेल है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर, ज्ञान वापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के आ रहा। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल कहां से निकल के आ रहा है। और देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इससे पहले से बयान निकल के आया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था केवल मस्जिदों की जांच नहीं बल्कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा था जरा ये समझिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था जो भी मंदिरें हैं वो बौद्ध मठों पर बनाई गई हैं, इसलिए खास तौर पर मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। आप अगर जांच करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बौद्ध के मठ निकल के आएंगे। अब इन सब को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उसे हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही, क्योंकि ज्ञान वापी के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने बनाई हैं ना कि मुस्लिमों ने। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल भी पाया गया, आखिर वहाँ पर मंदिर नहीं है तो त्रिशूल क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिससे दृष्टि दी है वो इससे साफ समझ सकता है कि ज्ञान वापी आखिर क्या है। वहाँ की सारी दीवारें भी चिल्ला कर कर रही हैं। इसके बाद खासतौर पर अब इस पर बयानबाजी भी जारी हो चुकी है और वैशी का भी बयान निकल के आ रहा है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पीएम मोदी जल्द ही महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ नजर आने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है जरा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कल पुणे के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के बीच प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। खास बात यह है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे हैं।
हैं। और देखा जाए देश की सियासत में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री और खासकर शरद पवार एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे क्योंकि इस समय शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरी तरह से उनका ही साथ देंगे। किस तरह से पार्टी तोड़ने का काम किया गया महाराष्ट्र में, ये सभी लोगों को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन इन सबको करा रहा है। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस अगर एक बार फिर जमीनी स्तर से प्रचार प्रसार में जुटने जा रही है और बड़ा बदलाव दिखेगा आने वाले चुनाव में। देखा जाए पिछले 9 साल से संगठन को लेकर जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस इसके लिए इंतज़ार कर रही है। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस प्रदेश द्वारा सौंपी गई संगठन सूची हाईकमान में बदलाव किया जा रहा है। हाईकमान इशारा करते हुए हरियाणा में नए प्रभारी दीपक बबरिया ने जिलावार कांग्रेस नेताओं के साथ गठन करना शुरू कर दिया और मंथन भी किया जा रहा है। देखा जाए तमाम ज़िलों में फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया गया है। दीपक द्वारा हाईकमान को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये सारे फीडबैक देखा जाए तो खास तौर पर अगस्त से पहले तैयार हो जाने चाहिए। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल विधानसभा में मणिपुर का प्रस्ताव हुआ पेश, टीएमसी बीजेपी के नेता आपस में भिड़े। ममता बनर्जी का बयान निकल के आया, ज्ञान नहीं चाहिए। मणिपुर हिंसा का मामला लगातार अब विधानसभाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। 3 महीनों से लगातार सुर्खियों में मणिपुर का विवाद बना हुआ है। पिछले लगातार केंद्र और मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर मामले को लेकर सदन में भी जमकर बवाल काटा जा रहा है। इसी बीच देखा जाए बंगाल विधानसभा में मणिपुर का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके बाद सदन में बीजेपी विधायक और खासतौर पर टीएमसी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने कहा कि बंगाल की सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर हमें पता है। पहले जिस मुद्दे को लेकर 2 घंटे का समय दिया जाता था, अब उस मुद्दे को पूरी तरह से सहमति के साथ सदन में रखने के लिए 1 घंटे से भी कम समय दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के हरियम चौपट्टा उपाध्याय का बयान निकल के आया। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडिया बराबर है मणिपुर चर्चा के लिए, फिर से राजस्थान की भी बात होनी चाहिए। ये तमाम राज्य के जब बात निकल के आए, अब देखा जाए राजवर राज बात उठने लगी है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा बढ़ की और महिलाओं को न्यूड परेड कराया गया, खासतौर पर इसमें 2 बड़े राज्य शामिल हैं, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। ये तमाम बातें रखी गई। फिर ममता बनर्जी का बयान निकल के आ रहा, उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान न दीजिए, अभी जो देश में हो रहा उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑन दिस लिमिटेड respected chairman, all of you. I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously, all India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. They should, sir, we request the government and you honorable members a chance to discuss. Nothing will go on record. Honorable members, 267. When on this issue, the government is agreeable for a discussion at 2 p.m. I want. I think honorable members, one second, Mr. Gupta, you can't be agent of another member. I find in last few days your activity has become hyper. Good. I want people to be really involved, but please don't try to help those who can help themselves and who have to help you. So notify. We
we should never advise people. We believe in whose advice? So that is not to be done. One second. Honorable members, I had, when I gave my ruling, indicated, taking note of the rule regime. One, the notice has been accepted by me. Then I said I would come after consultation with the leader of the house, as is the mandate of the rule, as to date and time. So this is a way forward. Further to my ruling, the leader of the house has indicated that the government is prepared to our discussion on Manipur issues at 2 p.m. today. Now, one second. And that is the requirement of the legal regime. First notice, consideration by me, I accepted it. I have to consult leader of the Council of States only for date and time. He has volunteered today at 2 p.m. Now, secondly, as the leader of the opposition has reflected, the issue is being raised every day. Think within. An issue on which the chair has given a ruling, we come out with it every day. No. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? We have demanded discussion under Rule 267, and many of our people have visited. I want personally, the house. Personally, our people you have focus. Visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? Nothing will go on record.